जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को एक प्यार भरा नमस्कार और वेरी गुड गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? स्वस्थ और मस्त आप लोग जरूर होंगे, क्योंकि दोस्तों आज सभी लोगों को हम एडवांस में हैप्पी होली बोल देते हैं। और इससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, आज हम फिर से उसी यूनिट में हैं कि पहले तो हम आज हम क्या हुआ ठीक है, अभी आपके पास आ जाते हैं भाई। कल तो आज जो है मशीन खड़ी है दोस्तों, फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि अभी आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज नई जानकारी के साथ आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट उस बात को बताते हैं जिसको आज किसी ने कमेंट किया हुआ था मशीन के बारे में बताएं। तो दोस्तों हम मशीन के बारे में ही बताते हैं, थोड़ा सा जानकारी डीप भी हो जाती है, थोड़ा सा जानकारी बाहर की हो जाती है। तो पहले हम प्राइमरी जानकारी आप लोगों को बता देते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे डीप की जानकारी में, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बता देते हैं दोस्तों। हम तो स्टेप बाई स्टेप ही बताते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि आगे चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेप बाई स्टेप भी बताते हैं। तो चलिए आज लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरा से हम आज मशीन का टेस्ट, यानी मशीन की जो तहरीक है, तहरीक को टेस्ट कैसे कराएँ। तो दोस्तों हम आप लोगों को आज बताते हैं मशीन के कैरेज या हेड की टेस्टिंग कैसे कराते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्या करते हैं कि हम लोग ESC फाइल होता है ना दोस्तों, ESC फाइल पर इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए हमारे पर ऑप्शन खुल गया है, एक नंबर पे नेटिंग का ऑप्शन, दूसरे नंबर पे सिस्टम सेटअप है, तीसरे नंबर पे पैटर्न मैनेज है, और चौथे नंबर पे हमारा क्या है कि फाइल मैनेज है, और पांचवें नंबर पे मशीन टेस्ट, और छठे नंबर पे है शट डाउन। ये मशीन जब बंद करते हैं तो शट डाउन किया जाता है, लेकिन हमें करना क्या है कि मशीन की टेस्ट करानी। मशीन को जब टेस्ट करानी तो हमने या तो यहाँ से, ये देखिए दोस्तों यहाँ से पाँच नंबर पर आ जाएंगे, या तो हम इससे ऐसे करके यहाँ पर पाँच नंबर पे आ जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद इसे हम इंटर का ये इंटर के बटन होते हैं, इंटर क्या करेंगे हम करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिखा रहे हैं, इनपुट टेस्ट, आउटपुट टेस्ट और कटर एंड क्लिप टेस्ट, उसके बाद हेड टेस्ट। हमने क्या करना, हेड टेस्ट पर जाना, हेड टेस्ट पर जाकर हमने फिर से ओके कर देना। जब ओके कर देंगे तो ऐसा कुछ अपना यहाँ पर ग्राफ खुल जाएगा। जब ऐसा ग्राफ खुल जाएगा दोस्तों, तो हम एक एक बारी सारा आप लोगों को बता दें कैसे कराते हैं। वैसे तो दोस्तों एक ये भी प्रक्रिया होती है, हम इसको आपको बाद में बताएंगे, अभी फ़िलहाल एक एक करके इसकी जानकारी ले लीजिए कि कैसे हम टेस्ट कराते हैं और उससे क्या टेस्ट होता है। तो हम सबसे पहले दोस्तों कराते हैं आप लोगों को हेड की टेस्ट। हेड टेस्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों आ गया अपना, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला पॉइंट देखते हैं, इस वाले पॉइंट को हम ऐसे दबा देंगे। जब इस वाले पॉइंट को दबा देंगे तो एक टेस्टिंग में लग गया। तो यहाँ पर हम टेस्टिंग करा रहे हैं, जो आप लोगों को दिखा देते हैं कि जो ये टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है। अब हम एक पिछले, ये पिछले वाले ये आगे का कैरेज है, वो पीछे का कैरेज है, तो हम आपको पीछे के कैरेज में हो रहा है, लेकिन जो हम आगे के कैरेज में कराएंगे वो आप लोगों को दिखा देते हैं। जैसे क्या हो गया कि इसका अपोजिट यहाँ पर है, तो हमने क्या करना है कि इसके अपोजिट में यहाँ पर आना है। तो दोस्तों हमारे उंगलियों को आप देखते रहिए, हमने क्या करना है कि नीचे आ जाना, तो हम इस पर आ गए, तो हम इसको इस पर आ गए, तो इसको हम टेस्ट करा के और इसमें दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये हमने टेस्ट करा लिया, तो ये देखिए ये चीज़ टेस्ट होती है, यहाँ पर लाइटें जल रही हैं, तो यहाँ पर ये टेस्ट हो रही है। और इस तरह हमने क्या करना है कि ये देखिए दोस्तों, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको सारे को कराएँगे, तो सारे का टेस्ट आप लोगों को दिखा देते हैं करा के पहले। ये देखिए दोस्तों, हम इस डंडी पर आ गए ना, दिख रहा ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये दोस्तों आठ जो है ना, जो वही अपना सबसे नीचे का नंबर जैक को जो चलाती है, उसको एक्सलेटर बॉक्स बोलते हैं, तो वो अपना चल पड़ता है। अभी जैसे हमें यहाँ पर अभी टेस्ट कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए चल रहा है, तो वो एक्सलेटर बॉक्स की टेस्टिंग हो गई, तो यहाँ से करते हैं। इसके बाद क्या करना है कि हमें सारे का कराना अलग अलग। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोस्तों हम यहाँ पर आके इसको मतलब वन बाय वन कराते हैं, तो यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर, तो इसको हमने क्या करना है कि हमने आ जाना है यहाँ पर। जब हम यहाँ पर आ गए दोस्तों, ने ये देखिए दोस्तों, सब पहले हमने यहाँ पर टेस्टिंग कराया, अब हम यहाँ पर टेस्टिंग करा रहे हैं। तो यहाँ पर कराने के लिए फिर वही प्रक्रिया हो जाएगी कुछ इस तरह, तो हमने इसको टेस्टिंग पे लगा दिया है। इसके बाद उसी तरह हमने इसको टेस्टिंग पे लगाना है, तो हमने क्या करना है, बारी बारी से हम ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं, हम इसकी टेस्टिंग कराते हैं और आवाज़ आपको सुनाते हैं, टेस्टिंग की आवाज़ कैसी होती है। तो हम आपको यहाँ देखिए,
ये आवाज़ जो सुनाई दे रही है दोस्तों उस टेस्टिंग की सुनाई दे रही है, और वो टेस्टिंग हो रही है और मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ टेस्टिंग कैसे होती है कैसे नहीं होती है, वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो इसी तरह हम सारी टेस्टिंग करा लेते हैं, आप बने रहिए हमारे वीडियो में। और इसकी जो टेस्टिंग है दोस्तों ये है अपना डेंसिटी नंबर 8, ये डेंसिटी नंबर 8 है। तो इसकी टेस्टिंग हम या तो सेल्फ करा लेते हैं या तो हमें 1 2 5 1 3 5 से देखिए अलग अलग हमारे नंबर यहाँ चलते हैं, तो हमें 1 3 5 कराते हैं, तो या 1 3 या 1 5 1 5 1 5 करते हैं, तो इस तरह का टेस्टिंग हो जाता है और मशीन सारा क्लियर हो जाता है। तो हम बाइक बारी बारी से सारी टेस्टिंग कराते हैं और आप लोग देखिए हमारे वीडियो को और बने रहिए वीडियो। तो दोस्तों जो हमने सारा इसी तरह टेस्ट करा लेना है, इसके बाद हमने जैसे इसको टेस्ट कराना है, तो ये मैग्नेट हो गया, ये वह 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट कैसे टेस्ट कराएं, तो इसी तरह दोस्तों हम क्या करते हैं कि अपने इस ऑप्शन से हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस करके इस तरह हम चले जाएँगे इस मैग्नेट टेस्ट पर। तो ये देखिए ये मैग्नेट टेस्ट पर यहाँ हम आ गए, यहाँ से मैग्नेट टेस्ट पर आ गए, तो वही प्रक्रिया सब कुछ करेंगे कि यहाँ से हम दबा देंगे तो ये मैग्नेट टेस्ट हो रहा है और उसकी आवाज़ कुछ इस तरह सुनाई दे रही है। और ये मैग्नेट देखिए मैग्नेट टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद इसी तरह क्या करना है कि हमने इस मैग्नेट को टेस्ट करा लेना। आप लोगों को हो सकता है रोशनी से ना दिखाई दे क्योंकि रोशनी लग रही थी डिस्प्ले पर। इसके साथ फिर हमने क्या करना है कि इस वाले मैग्नेट को टेस्ट कराना है, इस तरह सारे मैग्नेट को टेस्ट करा के सारे जितने दिख रहे हैं अलग अलग सबको, ये देखिए सब में आ रहा है ना दोस्तों, ये देखिए ये सब जा रहा है, सबको अलग अलग से टेस्ट करा लेते हैं। और इस तरह सारा टेस्ट कराने के बाद हम फिर दोबारा वापस इसी ESC फाइल से वापस हो जाते हैं, और वापस होने के बाद कुछ ऐसा मैनुअल हमारा आ जाएगा दोबारा से ग्राफ, इस तरह जैसे पहले शेड्यूल खुला था उसी तरह ये शेड्यूल खुल जाएगा, मतलब वापस हम वहीं पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि अभी F1 ये इसकी कटाई डाल के दोबारा रिसेट करा के मशीन को देख लेते हैं। और हमारी ये मशीन अभी देखिए यहाँ पर रिसेटिंग से लग गई है, रिसेटिंग होने के बाद ये देखिए हमारी वापस आके रिसेट हो गई, तो इस तरह हो जाती है हमारी मशीन सारी रिसेट और कैरेज हमारा टेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम चलाएंगे तो हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ तो दोस्तों अच्छा ये आगे भाई अच्छा ये बताओ कैसे हो कैसे यार यार इधर लाए जा रहे हैं इधर 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 आ जाओ इधर ठीक है निको तो ये बताओ कि अभी तो काम हो रहा है यार इतना मेहनत से काम करते हैं, एक तो मशीन शोर करती है, दूसरे लोग कहते हैं यार मशीन के बारे में बताओ क्या मशीन की, जितना हमें समझ में आता है उतना तो हमें बताते ही हैं बात है क्योंकि आज क्या मशीन है बताने को हाई हेड टेस्ट के बारे में बताएंगे हम मशीन की हेड टेस्ट कैसे होती है बारे में नहीं हमने बता दिया है उन लोगों को हाँ बता दिया हम तो बाकी काम चल रहा है। ये बताओ मेहनत पड़ती है कि नहीं
पूरी पड़ती है ना, कोई भी काम हो भाई मेहनत पड़ती है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक तो मशीनों का जो दूसरे मेहनत भी पड़ती है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं बिना मेहनत किए थोड़ी खड़ा हूँ, मैं भी मेहनत किया हूँ, पूरी दिन भर मेहनत करने के बाद अभी खड़ा हूँ, थोड़ा टाइम मिल जाता है, चलो अच्छा तरीका से काम करते हैं, बाकी ओके है तो, और सबको आराम से बधाई दे दो यार, होली का हमारी तरफ से हैप्पी होली, की तरफ से भाई हैप्पी होली, हमारी तरफ से भी हैप्पी होली है, और सारे मतलब अपने कंप्यूटर परिवार जो ये हैं यहाँ से सभी लोगों को हैप्पी होली और ढेर सारी शुभकामनाएँ, अच्छी होली सबकी निकले, है कि नहीं। हाँ भाई काम तो करना ही पड़ेगा जिंदगी भर, कोई बात नहीं है, ठीक है तो काम चलता ही रहता है, कोई बात नहीं है, काफ़ी इधर भी मशीन चली रही है, इधर भी मशीन चली रही है, और अभी इधर भी काम करना पड़ गया है, तो इस करके सारे काम तो होते रहेंगे, काम होते रहेंगे, बाकी जानकारी भी देते रहेंगे, जैसे हमने जानकारी आप लोगों को दिया था, तो जो दोस्तों हम आप लोगों को जो एडिट आप लोगों को दिखाया था ना, सी एन टी एडिट ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, CNT की थोड़ा सा डीपली जानकारी हो जाती है, इस तरह से हम आप लोगों को बताए थे कि CNT एडिट क्या होता है, CNT एडिट से भी हम एक गेड़ा मान लो हमारा कट रहा है बॉर्डर के ऊपर का, तो उसको कैसे हम मतलब कम कर सकें, या कैसे उसको हम ज़्यादा कर सकें कि हमारा गेड़ा ना कटे और ना कटने मतलब कटता नहीं हो, वैसे हम आप लोगों को तो खर्चे में दिखाए थे, तो आज इधर क्या हुआ है कि ये अटेंडेंट की फीस लगी हुई है, तो कम गए वाली है, इस करके चल रही है, और हमने आप लोगों को याद होगा कि हम इसी पर दिखाए भी थे, इसी मशीन का बन वो जो टेप बन रही थी कल, इसी पर बन रही थी बहुत, तो उस पर हम आप लोगों को दिखाए थे, और जानकारी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि CNT लगाने से क्या होता है ना कि एक CNT एक ऐसी फाइल है, CNT एक ऐसा मतलब आप लोगों को दोबारा से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं दिखा भी सकता हूँ, दोस्तों अगर आप दोबारा से देखना चाहते हो तो मैं CNT दिखा देता हूँ, CNT का किसी को पता नहीं होता है, बहुत कम ऐसे ऑपरेटर हैं जो CNT के बारे में जानते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फाइल से निकल जाता है CNT, देखो आपको उल्टा दिखाई देगा CNT edit, और एक हो गया आपका PAT पैट edit, जो CNT और पैट edit दो edit हो मतलब दो होते हैं, CNT edit से हम काम कर लेते हैं, तो कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि CNT edit से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, बहुत चीज़ हो जाती है, डिजाइन में अगर वो तो लूप लगाना हो तो लगा लेते हैं, या कोई रिपीट वाला गेड़ा लगाना वो भी लगा लेते हैं, लूप अलग होता है रिपीट अलग होता है, कभी अगर आपको हम अब अपनी सीरीज में जब बताएंगे तो लूप तो बता देंगे, रिपीट भी बता देंगे कैसे लगती है कैसे नहीं लगती है, और इसके अलग अलग रिपीट कैसे लगती है वो भी हम शायद आप लोगों को बता देंगे, हमें याद है, लेकिन अगर नहीं बताए होंगे तो हम दोबारा से आप लोग देंगे अच्छे तरीके से आप लोगों को बता देंगे, फिलहाल तो भाई बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो किसी को छेड़ना नहीं है, क्योंकि मैं ही थोड़ा सा छिड़ जाता हूँ आप लोगों को ये बताने में, तो इस करके चलिए, बाकी हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सभी लोगों को हैप्पी होली बोलते हैं दोस्तों, तो अपने अपना त्यौहार अपने अपने ढंग से मनाइए, और एक पता नहीं कौन और सा त्यौहार है वो तो याद नहीं आ रहा है, पर है कोई एक त्यौहार और उन लोगों का है, मुसलमान लोगों का त्यौहार है, तो उसकी भी बधाई दे देता हूँ भाई, उसकी भी बधाई, बहुत अच्छे से आप लोग मनाइए, हम लोग भी होली मनाएँ, याद नहीं आ रहा है कोई है एक त्यौहार, तो आप लोग मनाइए, हम भी मनाइए, आप भी सोच रही है, हम भी सोच रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं यार हैप्पी इंडिया, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी जानकारी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, कमेंट भी करिए, और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करिए दोस्तों, जो लोग नए हैं ज़्यादा अगर ये जानकारी अच्छी लगी है, अगर जानकारी और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने जैसी ही जानकारी आप लोगों को देना आप लोग वहाँ देख सकते हैं जानकारी को, नहीं समझ में आया है तो आप बोल दीजिए भैया आप रिपीट बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ उस जानकारी को, मैं दोबारा रिपीट से बता दूँ, या दोबारा हम उसी में आप लोगों को करेक्शन कर दूँ कि जानकारी थोड़ा डीपली बता दूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, तो आइए दोस्तों अपने वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं दोस्तों, बाकी सारे लोगों को मिल लेते हैं, वो लेकर सारे लोग काम कर रहे हैं, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय जय हिंद, वंदे मातरम।